तो भाई कैसा लग रहा है विवेक डागर भाई आपको ये गाड़ी का रेट? भाई अच्छा नहीं लग रहा, इसके ज्यादा प्राइस ही लगने चाहिए क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा है। अच्छा भाई, हाँ जी भाई। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका भाई संदीप डागर और आज भाई हम अपने इनोवा के रेट लगवा के लाते हैं, मतलब कितने की चले जाएगी एजेंसी में देखते हैं भाई। अब हम इसको निकालने की तैयारी कर रहे हैं भाई और आपको आगे दिखाते हैं। हाय गाइस, तो आज मैं संदीप भाई के साथ टोयोटा के शोरूम में जा रहा हूँ, इसके प्राइस लगवाने इनोवा के, एक फॉर्चुनर की कोटेशन लेके आनी है। बिल्कुल भाई, तो भाई ने जैसा कहा है आपने सुना होगा, तो भाई बिल्कुल सेम ऐसा ही होने वाला है। तो भाई फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आए तो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यार हमारे घर से 36 टोयोटा कम से कम भी 16-17 किलोमीटर पड़ती है, तो देखते हैं यार शोरूम ओपन मिलना तो चाहिए भाई। एंड टाइम पे थोड़ा प्लान बन गया था अपना न्यू कार के लिए, मतलब देखते हैं अभी तो उसकी प्राइस वगैरह लगवाते हैं आज एजेंसी में और पता लगे कितना प्राइस लगता है अपने इनोवा को। वैसे तो भाई बिल्कुल न्यू कंडीशन, इनोवा की कंडीशन ही अच्छी है, मतलब कोई बता नहीं सकता कि 7-8 साल इनोवा को हो चुके हैं, 2014 मॉडल है अपना। गाइस घर से निकलते ही देखो ट्रैफिक कितना है यार, यहाँ पे देखो ट्रैफिक, देखो भाई ये बहुत आगे तक पूरा पुल जाम है यार अपना, ये ट्रैफिक खत्म होगा नहीं होगा इस इंडिया में से यार, पता नहीं साउथ इंडिया की तो पता नहीं, अपने नॉर्थ इंडिया में तो भाई ये बहुत ट्रैफिक, बहुत रेत, बहुत पॉल्यूशन, सब कुछ अपने नॉर्थ इंडिया में भरा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है यार, बहुत ट्रैफिक है भाई। ये ऑटो वाले ज्यादा ट्रैफिक लगवाते हैं देखना। तो कैसा लग रहा है विवेक भाई आपको? भाई मैं फुल परेशान हूँ, ये जाम है आज। अच्छा हाँ भाई, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है तो हम बाईपास से जाना पसंद कर रहे हैं, वहां से जल्दी पहुंचेंगे और बेटर लगेगा। अच्छा बेटर लगेगा भाई को थोड़ा, तो भाई यहाँ पे यार अपने इस रोड पे हाईवे पे NH2 बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो इसलिए अब हम बाईपास से जाना पसंद कर रहे हैं यार, बहुत टाइम हो जाएगा जाने में, थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसलिए हम अब बाईपास से जाना पसंद कर रहे हैं। मैं भाई आपका भाई विवेक डागर, तो भाई टोयोटा के शोरूम में तो पहुंच चुके हैं। मैं ये कह रहा था कि आप जिम विम जाते हो भाई, तो यार थोड़ा सा मेरे को इंट्रोडक्शन दो अपना। चलो थैंक यू भाई। गाइज अपना फाइनली हम टोयोटा 36 टोयोटा में आ चुके हैं यहाँ पे अपना, अब चलते हैं बात करते हैं इनसे कि क्या सीन होता है गाड़ी के साथ और बताते हैं आपको कितना प्राइस लगता है और कौन सी गाड़ी खड़ी होगी, तो उसको दिखाते हैं फॉर्चुनर टोयोटा में से हम कौन सी देखते हैं। भाई ये फरीदाबाद की सबसे बड़ी कंपनी, एक ही कंपनी अपने फरीदाबाद में, 36 टोयोटा। भाई ये फॉर्चुनर आपको कैसी लग रही है? भाई गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है यार, जाटों की शान है ये फॉर्चुनर शुरू से ही। अच्छा, एजेंसी में भी आके अच्छा लग रहा है। एजेंसी में आके भी अच्छा लग रहा है? हाँ भाई। कैसे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, मतलब कैसे? भाई सेकंड टाइम आ रहा हूँ मैं। अच्छा। पहले एक बार अपनी गाड़ी, तो आप इस गाड़ी में बैठ के देखो आपको कैसा फील होता है बताना फिर मुझे। तो विवेक भाई फॉर्च्यूनर में बैठते हुए, भाई वाह कैसा भाई, फील हुआ भाई? बेटर फील हो रहा है अभी तो बहुत। अच्छा, टेस्ट ड्राइव लेंगे जब वो आगे पता चले। टेस्ट ड्राइव में तो हम परसों लेंगे, बट अभी हम देखने के लिए आए तो मजा आया गाड़ी में। हाँ भाई गाड़ी में पूरा फुली, मतलब बैठ वैसी ऐसी बता दिया, मजा है गाड़ी में। हाँ भाई वैसे तो मजा है, इनको पानी प्यास बहुत लगती है, पानी ज्यादा पीते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। गाइस अब भाई अपना वो चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, अपना अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं भाई, तो थोड़ी देर में अपना भाई प्राइस बता देंगे गाड़ी कितना प्राइस लगेगा गाड़ी का एजेंसी में। ब्रेक भाई कैसा लग रहा है इनोवा अपनी चले जाएगी तो? भाई मन तो नहीं कर रहा बेचने का, पर बेच देते हैं यार, फॉर्चुनर भी लेनी है। अच्छा हाँ भाई, संदीप भाई ये कैमरा या सेंसर है? क्या चीज भाई? ये भाई कैमरा या सेंसर है? ये भाई सेंसर है। किसने बता दिया कैमरा है भाई आपको? ये एजेंसी वाले ही बता रहे थे कि कैमरा है। अरे भाई आपसे एजेंसी वाले ही तगड़े मिल गए भाई। कौन सी वाले बता रहे? ये वाले? हाँ ये भाई टोयोटा वाले। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि कैमरा है सर, ये चीज कैमरा है ये वाला। हाँ जी हाँ जी कैमरा। अरे भाई क्या खाते हो क्या जीते हो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। कार का प्राइस लग चुका है तो भाई बताने वाले कितना प्राइस लगा है। भाई कितना लग गया भाई प्राइस? तो भाई एक बार कंफर्म कर रहे हैं, भाई ने पिक वगैरह लेके अपना ऊपर दिए तो वो बताएंगे कितना प्राइस लगता है अपने इनोवा को।
गाइस कमेंट करके बताना अभी तक ये कितने की होगी, मतलब इसका प्राइस लास्ट रीसेल वैल्यू इसकी कितनी है। अभी तो यार साइनिंग मार रही है अपनी कार बिल्कुल। यार ये वहाँ पे लग गई थी ये आपकी रोहतांग में। गाइस फाइनली आपको जिस चीज़ का वेट था तो भाई को प्राइस रीसेल वैल्यू का प्राइस बता दो भाई कितना है। प्राइस है 5.5 से 5.5 के बीच, 5.5 लाख तक, मतलब 5.5 भाई बहुत कम कॉस्ट लगाई है आपने तो। एक्चुअली गाड़ी का ना पूरा पैरामीटर चेक होते हैं तो भाई इस गाड़ी की तो रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी है भाई, ये तो लग ही नहीं सकता इतना प्राइस तो। क्योंकि अभी मैंने जो अभी मैं इसलिए चेक करूँगा उसके बाद प्रॉपरली गाड़ी का जो क्या है वो देख के बताऊँगा फिर आपको। अच्छा ठीक है, तो भाई अंदर से आपको इंटीरियर वगैरह हाँ, कैसा लगा गाड़ी का? अच्छा है, बिल्कुल एक नंबर गाड़ी है ना भीतर से और बाहर से, वैसे कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में। आपने बम्पर बोनट वगैरह खोल के देखा, जैसे चेक कर लिया, इंजन चेक कर लिया, इंजन वगैरह सब चेक कर लिया आपने, टायर्स वगैरह और खिड़की वगैरह कोई दिक्कत नहीं है कैसी गाड़ी में? ओके की रिपोर्ट है। तो भाई भाई का कुछ ऐसा कहना है कि इसके 5.5 लाख रुपये भाई ने लगाए हैं तो गाड़ी के, भाई मुझे तो लग नहीं रहे कि 5.5 लाख रुपये इस गाड़ी के लगेंगे, और ज़्यादा लगने चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई वही है सर, एक बार ये हम गाड़ी की सीरियल चेक करके फिर आपको प्रॉपरली जो कंप्लीट रेट है। फाइनली आपको जिस चीज़ का वेट था तो भाई को प्राइस रीसेल वैल्यू का प्राइस बता दो भाई कितना है? प्राइस है 5.5 से 5.5 के बीच, 5.5 लाख तक, मतलब 5.5 से 5.5 भाई बहुत कम कॉस्ट लगाई है आपने तो। एक्चुअली गाड़ी का ना पूरा पैरामीटर चेक होते हैं तो भाई इस गाड़ी तो रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी है भाई, ये तो लग ही नहीं सकता इतना प्राइस तो। वही क्योंकि अभी मैंने जो अभी मैं इसलिए चेक करूँगा उसके बाद प्रॉपरली गाड़ी का जो क्या है वो देख के बताऊँगा फिर आपको। अच्छा ठीक है, तो भाई अंदर से आपको इंटीरियर वगैरह हाँ, कैसा लगा गाड़ी का? अच्छा है, बिल्कुल एक नंबर गाड़ी है ना भीतर से और बाहर से, वैसे कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में? आपने बम्पर बोनट वगैरह खोल के देखा, जैसे इंजन चेक कर लिया, इंजन वगैरह सब चेक कर लिया आपने, टायर्स वगैरह और खिड़की वगैरह कोई दिक्कत नहीं है कैसी गाड़ी में? ओके की रिपोर्ट है। तो भाई भाई का कुछ ऐसा कहना है कि इसके 5.5 लाख रुपये भाई ने लगाए तो गाड़ी के, भाई मुझे तो लग नहीं रहेगी 5.5 लाख रुपये इस गाड़ी के लगेंगे, और ज़्यादा लगने चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई वही है सर, एक बार ये हम गाड़ी की सीरियल चेक करके फिर आपको प्रॉपरली जो कंप्लीट रेट है वो फिर हम बता रहे हैं। तो भाई अब यार इसके बारे में सोच रहे हैं तो भाई ये कुछ रीसेल वैल्यू अच्छी लगा नहीं रहे, तो आगे चल अभी भाई हमको अच्छे से कल बता देंगे कि कितनी लगती है। तो अभी तक तो 5.5 लाख रुपये भाई ने बताए हैं। तो गाइज ये आपके सामने बहुत जल्दी होगी फॉर्चुनर। तो ठीक है भैया, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा मिल के भाई से। थैंक यू भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना।